जैसा कि हम जानते हैं, शेड्यूल क्रिएट करने के लिए हम व्यू टैब में जाकर यहाँ पर शेड्यूल और क्वांटिटी जो कि क्रिएट पैनल में है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एक टेम्पररी रूम का शेड्यूल क्रिएट करने जाना वाला हूँ और मैं इसे ओके करूँगा। रूम के लिए मैं बाय डिफ़ॉल्ट उसके नाम लूँगा। नाम के बाद मैं इसका सीलिंग का फिनिश कैसा होना चाहिए, फ्लोर का फिनिश कैसा होना चाहिए और वहाँ की वॉल की फिनिश कैसी होनी चाहिए वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर एक वॉल्यूम भी दिया गया है और एरिया भी दिया गया है, मैं यहाँ का एरिया भी उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर एक कैलकुलेटेड पैरामीटर्स है, हमने वो यूज़ किया था ऑलरेडी। यहाँ पर मैं एरिया परसेंटेज करके एक नई फील्ड क्रिएट कर रहा हूँ। फॉर्मूला हमने देख लिया था लेकिन अब हम परसेंटेज देखेंगे। परसेंटेज देखने से पहले जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं मैं उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि किस किस तरह के फॉर्मूलाज होते हैं वो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे रेविट के बारे में तो आपको कौन से फॉर्मूलाज को किस तरह यूज़ करना चाहिए उसके रिगार्डिंग सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एडिशन या एड वैल्यूज करनी है तो इसके लिए ये सिंटेक्स यूज़ करना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल करना है तो ये सिंटेक्स यूज़ करना पड़ेगा। कोसाइन यूज़ करना है तो ये सिंटेक्स यूज़ करना पड़ेगा। राउंड करना है फंक्शन के बारे में, जैसे कि 3.1 से 3, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है तो उसके लिए राउंड करके 3.1 या फिर राउंड करके अगर लेंथ पैरामीटर है तो लेंथ पैरामीटर अंदर लिख देना होगा आपको और यहाँ पर राउंड लिखना होगा तो लेंथ जो भी होगी वो आपको राउंड करके मिल जाएगी। तो इस तरह आप फंक्शन को फॉर्मूला यूज़ करने के लिए कौन से सिंटेक्स यूज़ करने चाहिए वो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो और यहाँ पर से भी आप नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ हम परसेंटेज की फॉर्मूला नहीं क्रिएट करेंगे, परसेंटेज देखेंगे। यहाँ पर एरिया सिलेक्टेड है और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ग्रैंड टोटल आ जाएगा, आपको सिर्फ ओके करना है और उसके बाद मैं ये शेड्यूल क्रिएट करूँगा। जैसा कि मैंने शेड्यूल क्रिएट किया है तो यहाँ पर आपको जो एरिया दिख रहा है वो 0 मीटर स्क्वायर में दिख रहा है तो मैं यहाँ पर उसकी फॉर्मेट यूनिट चेंज करूँगा। और यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो इसकी भी परसेंटेज एग्जैक्टली डिटेल में देखने के लिए आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर मुझे जो करना है कि मुझे हर बार टॉयलेट जो है, टॉयलेट 1, 2, 3, रूम 1, 2, 3, 4 जो भी ये फील्ड है उनके रिगार्डिंग मुझे यहाँ पर फिनिश लिखनी पड़ेगी, फ्लोर फिनिश लिखनी पड़ेगी और वॉल फिनिश लिखनी पड़ेगी। तो इसके लिए एक शॉर्टकट क्रिएटेड है, जबकि मैं शेड्यूल क्रिएट करूँगा तो वहाँ पर मैं एक की शेड्यूल भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ हम देखेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर से सबसे पहले ये जो शेड्यूल है उस शेड्यूल में से ये रूम जो शेड्यूल है उसको मैं डिलीट कर दूंगा। फिर से मैं व्यू टैब में जाकर यहाँ पर से एक शेड्यूल क्रिएट करूँगा। शेड्यूल करते टाइम मैं यहाँ पर रूम सिलेक्ट करूँगा और रूम के साथ यहाँ पर मैं बिल्डिंग कंपोनेंट के साथ नहीं बट शेड्यूल की शेड्यूल क्रिएट करूँगा जिसका की नेम होगा रूम स्टाइल और मैं इसे ओके करूँगा। और रूम स्टाइल में मुझे चाहिए जो होगा, एक तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट की नेम आ जाएगा और जो भी मुझे हर बार एडिट करना था वो ही मैं सिलेक्ट करूँगा। जैसे कि सीलिंग की फिनिश मुझे हर बार एडिट करनी पड़ती थी, फ्लोर की फिनिश और वॉल की फिनिश। और इसके साथ मैं अपना की शेड्यूल क्रिएट करूँगा। जैसे ही ये क्रिएट होगा यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा। इंसर्ट डेटा रो पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर ऑलरेडी 1 आ जाएगा, मैं इसको अपडेट करूँगा। मैं अपने वहाँ पर 3 से 3 रूम जितने हैं तो मैं इसकी 2 टाइप की कैटेगरीज करना चाहता हूँ, एक तो टॉयलेट के लिए और एक मास्टर टॉयलेट के लिए और एक सारे रूम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टॉयलेट
मास्टर टॉयलेट और रूम्स, उसके लिए मैं एक की शेड्यूल बनाने जा रहा हूँ। जब भी मैं नॉर्मल मास्टर टॉयलेट के अंदर फिनिश या फ्लोर फिनिश और वॉल फिनिश ऐड करना चाहूँगा, तो वहाँ पर मैं सीलिंग की जो फिनिश होगी वो GWB होगी, वॉल के लिए भी GWB लूँगा और वहाँ का फ्लोर जो होगा वो मैं कारपेट लूँगा। GWB कारपेट एंड वॉल ऑल्सो GWB। अगर मैं नॉर्मल रूम क्रिएट करूँगा तो वहाँ की जो सीलिंग होगी उसका मटेरियल कुछ अलग, उसकी फ्लोर फिनिश भी डिफरेंट और उसकी वॉल फिनिश सेम। और अगर मैं टॉयलेट की जो कैटेगरी है वहाँ पर जाऊँगा तो वहाँ पर मैं सीलिंग की जो फिनिश है वो GWB, फ्लोर की जो फिनिश है फॉर एग्जांपल मैं विनाइल शीट लिख दूंगा यहाँ पर, और वॉल की जो फिनिश है वो मैं यही रहने दूंगा। तो इस तरह मैंने अपना एक की शेड्यूल रेडी कर दिया है। अब जाकर मैं व्यू टैब में जाकर शेड्यूल क्रिएट करता हूँ, जो कि मैंने पहले किया था रूम के साथ, और मैं इसे ओके करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं उसका नेम और नंबर ले लूँगा, रूम का नेम, रूम का नंबर, उसके बाद यहाँ की सीलिंग फिनिशेस, फ्लोर फिनिशेस, वॉल फिनिशेस, क्योंकि मुझे यहाँ का ही एग्जांपल देना है, तो मैं इतना लूँगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो हमने की रूम की रूम टाइप का जो की शेड्यूल क्रिएट किया है वो मैं इसे ले लूँगा, इसके बगैर मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ रूम स्टाइल, और मैं इसे ओके करूँगा, तो मेरा ये शेड्यूल क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर उस टॉयलेट के नंबर और रूम के नेम आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्ट करूँगा जो टॉयलेट है उसकी टाइप सिलेक्ट करूँगा, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट डेटा फिल हो जाएगा। टॉयलेट जो 3 है उसको मैं मास्टर टॉयलेट के हिसाब से उसकी फिनिशिस रखूँगा, और यहाँ पर डिफरेंट रूम्स है मैं इन सबको सेम रखना चाहूँगा। अगर आप चाहे तो इसमें और भी कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं, और इस तरह हम की शेड्यूल को इजीली, हर बार हमें अलग अलग तरह से वही डेटा वापस ना डालना पड़े, उसके लिए हम एक की शेड्यूल तैयार करते हैं रेविट के अंदर। इसकी भी अच्छी फैसिलिटीज़ है। फैसिलिटीज़ में ये भी है कि अगर मैंने यहाँ पर क्रिएट तो कर दिया, लेकिन रूम के अंदर मुझे अगर सीलिंग फिनिशेस जो है वो GWB की ही चाहिए, तो मैं जैसे ही की शेड्यूल में जाऊँगा और यहाँ पर रूम में मैं अगर GWB सिलेक्ट कर लूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी मुझे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हो।